फखर से उठा है ऐसा कदर हमारा, फखर से उठा है ऐसा कदर हमारा। कलमा विच तेरे चर्चे नचना है अज तेरी मां फड़ के, जे दिन तुगड़ अज घूम के नी मार बिल मित्रां दे टोली उत्ते, मित्रां दे टोली उत्ते घूम के नी मार बिल मित्रां दे टोली उत्ते घूम के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना नज़ाकत अली खान एक बार फिर एक नए गेस्ट के साथ। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं माशाल्लाह कमाल के पंजाबी फ्रॉम इंडिया से, जिन्होंने दोहा में आके अपना लोहा मनवाया और काफ़ी काम किया, केस्टें निकाली, गाने निकाले और लोगों के साथ काफ़ी काम किया, और हमारे पंजाब म्यूज़िक ग्रुप के आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हमारे साथ उन्होंने बेपनाह काम किया है और हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं। आज हम आपको उनसे मिलाते हैं जिनका नाम है महिंदर जलंधरी। आज मैं थोड़ा थोड़ी पंजाबी भी करांगा गल कि तुसी ना समझो कि नज़ाकत हर वक्त हिंदी उर्दू च गल करदा वा। ये साढ़े दोस्त ने पंजाब तो, इंडिया पंजाब तो, असी अज इन जो महिंदर जलंधरी साहब ने इन्हों पंजाबी च भी गल करांगे क्योंकि साडे चैनल का नाम है पंजाब म्यूजिक ग्रुप, तो पंजाबी लोग भी इन बहुत ज़्यादा तकते हैं वेंदे ने। तो जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सलाम, और कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके? उस्ताद जी, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी पीएम जी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं इस इंटरव्यू के जरिए, इस टीवी के जरिए, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जैसे उस्ताद जी ने बोला कि पंजाब म्यूजिक ग्रुप, तो पंजाब म्यूजिक ग्रुप तो पंजाबी जी होनी चाहिए है। तो एक बार फिर सारे मेरे वालों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। अज पी एम जी ग्रुप के इस स्टेज पर, इस मंच पर आके मैं बहुत वधिया लगा, क्योंकि वधिया लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरी इस प्रोग्रेस के पिछे, मेरी इस शोहरत के पिछे पी एम जी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आप ये बताएं सबसे पहले कि महिंदर साहब के आप कब से दोहा है, और माशाल्लाह दोहा आप सब लोग ही आते हैं काम करने के लिए, ठीक है? बीच में मैं पंजाबी भी बात करूंगा, आपको तो उर्दू की समझ आती है, ठीक है? तो बात ये है कि ये दसो तुसी कि तुसी दोहा की दो आए, ते जिदो तुसी इस तो पहले भी किथे गए, ते किथे किथे तुसी अपनी परफॉर्मेंस की थी, ये जरा दसो नाज़रीन नूं। हाँ जी, सब तो पहला मैं पीएमजी ग्रुप दे देख रहे सारे दर्शकों ने दस देना चाहता कि मेरा नाम महेंद्र जलंधरी, मैं इंडिया पंजाब तो हाँ, और मैं जी मेरी थोड़ी जी बैकग्राउंड मैं तुम्हें थोड़ी जी साझी करनी चाहवागा कि मैं 17 साल इंडियन आर्मी नौकरी की, फिर 4 साल डीडी पंजाबी दूरदर्शन से काम किया एज ए होस्ट, जो साढ़े उस्ताद जी कर रहे हैं। तो 2006 के मैं मौका मिला दुबई जाने का, और 2011 तक मैं दुबई रहा, तो उत्थे मैंने एक मौका मिला कि लोगों ने मैंने एक होस्ट तो एक सिंगर बना दिता, तो मेरी पहली एल्बम उदो 302 का केस 2010 आई थी, और उस तो बाद 2011 जो मैं दोहा के आया, तो मेरी पहली मुलाकात ये म्यूजिक के तौर पर ज इस संगीतमई जो ढांचे रचने वास्ते पहली मुलाकात उस्ताद नज़ाकत अली खान जी ने हुई, जेडे कि उस टाइम भी चीफ ऑर्गेनाइजर से पंजाब म्यूजिक ग्रुप के, तो हूँ भी चीफ ऑर्गेनाइजर ने, और इंशाल्लाह रहनगे भी जब तक पी एम जी का नाम रहेगा। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा पी एम जी का नाम रहेगा। तो इनके लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा मिक्स बोलूँगा पंजाबी भी, उर्दू भी, तो मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ। हर आदमी का अपना एम होता है कि स्कूल पढ़ो, पढ़ाई करो, छोड़ो, बाद में नौकरी करो, नौकरी करने के बाद रिटायर होने के बाद घर बैठ जाओ पेंशन लेके बच्चों के साथ, लेकिन मेरा नहीं, मेरा जिंदगी उल्ट हुआ। जैसे ही मैं आर्मी से रिटायर हुआ तो मेरा जॉब, दूसरी जगह जॉब करने का मौका मिला, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला, बड़े बड़े शो होस्ट करने का मौका मिला, बड़े बड़े खेल मेले, स्पोर्ट्स मेले, कल्चर प्रोग्राम, तो मुझे मेरे मैं सोचता हूँ बड़ी खुशकिस्मती थी मेरी कि मैंने इस होस्ट करने का मौका मिला। तो जब मैं 2006 में दुबई गया तो वहाँ भी मेरे को मौका मिला, लेकिन वो लोगों ने मेरे को होस्ट से सिंगर बना दिया, जबकि मुझे आता कुछ नहीं, थोड़ा कलम लिख लेते थे, गाने गुने लिख लेते थे, तो उसकी वजह से लोगों ने एक आर्टिस्ट बना दिया। पहली एल्बम आई तो हंसने वाली बात नहीं है कि मैंने अपनी सीडी अपनी ही गाड़ी में लगा के सुनी, किसी ने नहीं सुनी। आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए हाँ, तो लेकिन जो पीएमजी ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया दोहा कतर के अंदर आके, और जो मैं स्टार तो नहीं कह सकता, मैं कलाकार तो हूँ नहीं, क्योंकि मुझे ना तो गाना आता है, ना मुझे सुर का मालूम है, ना मुझे ताल का मालूम है, ना मुझे गाने का मालूम है, ना मुझे सरगम का मालूम है, लेकिन गुनगुना लेता हूँ। तो लेकिन अपने शौक को पूरा किया, और उस शौक के पीछे जो पीएमजी का हाथ है, जो उस्ताद नज़ाकत अली का जो सपोर्ट रही है मेरे को आज तक, अभी तक
तो इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, और मैं पीएमजी ग्रुप की पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो स्टोरी बीच में रह गई कि 2012 में उन्होंने मेरी दूसरी एल्बम तोर मस्तानी इधर रिलीज की थी, और जो दोहा कतर के अंदर मेरे को मीडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म मिला था वो भी पीएमजी ग्रुप की तरफ से मिला था। उसके बाद आज तक जितने भी इधर प्रोग्राम होते हैं, मैं आपको दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि पीएमजी ग्रुप की तरफ से जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ही होते हैं, और इंटरनेशनल कलाकार ही शिरकत करते हैं, और इतने माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कलाकार आते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से और बाहरली कंट्री से भी, तो उस नाचीज को भी उसमें जाने का मौका मिलता है, तो इनकी बदौलत। तो जो मीडिया का मेरे को परफॉर्मेंस मिला, जो मीडिया की सपोर्ट मिली है, जो टीवी की सपोर्ट मिली है, सब इनकी वजह से है, पीएमजी ग्रुप की वजह से है, और बाकी इंसान की अपनी मेहनत होती है, पूरी टीम का हाथ होता है। जहाँ पीएमजी ग्रुप का हाथ है उधर मेरे एमजी ग्रुप दोहा कतर का भी पूरा लोगों का साथ है, और मेरे एम्पायर कॉर्ड्स इंडिया में जो मेरी अपनी कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है सीडी प्रोडक्शन, तो उसमें मेरी पूरी टीम का पूरा हाथ है। तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ एक बार फिर, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी नाज़रीन, हमारे साथ हैं महिंदर जलंधरी, और बड़ी अच्छी बातें उनकी हो रही, उनकी फैमिली के बारे में हमने पूछा, उनसे पूछा, उनकी जहाँ तक स्ट्रगल थी जो जो उन्होंने किया हमें बताया। तो एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ जलंधरी भाई, वो ये कि मुझे आप ये बताएं कि आपके जो नए सीडियाँ रिलीज हुई है उनमें से कुछ कोई गाना वगैरह हमें सुनाए ना हमारी आवाम को, क्यों नहीं सुना रहे। खान साहब, मैं पहले ये बता दूँ कि आपको कि ये जो सीडी का जो दौर था ये 2010 में, मैं जैसे आपको पहले बताया मेंशन किया कि मेरी पहली कैसेट 302 द केस 2010 में दुबई में आई थी, फिर 2012 में पीएमजी ग्रुप आपने ही वो कैसेट रिलीज करी थी तोर मस्तानी, फिर तीसरी कैसेट मेरी 2014 में दोहा में रिलीज हुई थी दुबई में और इंडिया में दिलेरियाँ। तो ये तीन तो सीडी थी, उस टाइम जमाना था कि 8-8, 9-9 गाने होते थे एक सीडी के अंदर। फिर 2014 के बाद, 14 के बाद, 15 के बाद फिर एक एक वीडियो आना शुरू हो गया, तो तब से माशाल्लाह हर साल 1-2 वीडियो मैं करता हूँ, तो लोगों से टच रहने के लिए या अपने शौक को पूरा कर रहा हूँ। तो उसमें जो 2014 में मेरी कैसेट आई थी दिलेरियाँ, और वो जो आपने 2012 में रिलीज करी थी तोर मस्तानी, उसमें एक सॉन्ग था पंजाबियों का टोल, फिर वो मैं दो बोल तड़ना साझे कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर 14 में आजा नचला तेरे नाल नचना, ढोल ते नचना, तो ऐसा कतर हमारा जो हिंदी में मैंने पहली बार गाया जिंदगी में। और उसके बाद अभी फरवरी में कैसेट आई है डॉलर पॉन्ड, तो अभी माशाल्लाह कल ही रिलीज हुई है तेरा शुक्र मनावांगे। तो बहुत सारे एल्बम्स हैं, तो मैं आपको जो मेरा पहला जो सॉन्ग है जो लोग पसंद करते हैं उसकी दो लाइनें ऐसा सुना दूँ। जम्मिया ना कोई जो मड़ा जे अख वही, रख दे वैरी नू जड़ा तो पट वही, ना ही कीता ना ही सोनी दा मखौल मित्रो, रहे वजदा पंजाबियां दा, वजदा पंजाबियां दा ढोल मित्रो, वजदा पंजाबियां दा ढोल मित्रो। और आजकल जो आपका एक गाना चल रहा है उसका भी कोई अंतरा सुना दे। हाँ जी, अभी जो है अभी एक COVID-19 में एक मैंने मेरे बहुत ही अच्छे राइटर हैं रोमी बैंस यूएसए से, उनका ये गीत लिखा हुआ है और डीजे डस्टर ने इसको रिकॉर्ड किया है, वो भी इंडिया से, और हमारे कुलदीप सिंह जो इसके मेन एडिटर हैं जिन्होंने वीडियोग्राफी करी है, प्रोड्यूसर रमन भारद्वाज हैं, और प्रेजेंटर नवदीप कोहली है, और योगेश दीवान जी का स्पेशल थैंक्स है, और साइद रफ़ी जिन्होंने DOP की है, और राजविंदर जो मेकअप ड्रेसर हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इम्तियाज़ खान हैं, और भी बहुत जो जिन्होंने सहयोग दिया सबका मैं थैंक्स करना चाहूँगा। उनके कुछ दो लाइनें आपसे साझा करना। तेरा शुक्र मनावांगे मालिका शुक्र मनावांगे, तेरा शुक्र मनावांगे दातिया शुक्र मनावांगे, कर कोई अपराला रब्बा तू सब दा रखवाला रब्बा, सुन साडी अरदास सदा तेरे गुण गावांगे, तेरा शुक्र मनावांगे मालिका शुक्र मनावांगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये वीडियो भी अच्छा। जलंधरी साहब मुझे ये बताएं कि आपका म्यूजिक का सफर कैसा रहा, इसमें बड़ी मुश्किलात तो आई होगी, जाहरी बात है एक बंदे को गाने का शौक है बजाने का शौक है तो उसमें मुश्किलातें तो आती हैं, मुश्किल के बगैर कोई काम भी पूरा नहीं होता वरना अधूरा ही रहता है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये पूछूंगा कि आपने दोहा में आके गाने का शौक पड़ा या इंडिया से आप गाते थे, ये भी मुझे पता चला है कि आप पहले
कोई फौज वगैरह में काम करते थे। जी उस्ताद जी, आपने जो सवाल पूछा है बहुत खास और अहम सवाल है ये, मेरे ख्याल में मेरा सवाल नहीं है, हर आदमी का सवाल है जो अभी ये टीवी देख रहा है, स्क्रीन पे जो हमें देख रहे हैं, ये सबका ही एक सवाल है कि हम इतने बिजी शेड्यूल में हम समय कैसे निकालते हैं। हर काम करने के लिए आदमी का एम होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे आपको क्लियर कर दूं कि मेरा कोई कलाकार बनना या कलाकार बन के उभर के आगे आना मेरा कोई शौक ही है, कोई प्रोफेशन नहीं है। अभी तक मैं प्रोफेशन भी नहीं हूँ। अगर मैं बोलूँ क्या कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ मैं, और नहीं समझता हूँ मैं, तो एक अपना शौक को पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि इस शौक को पूरा करने के लिए, जैसे आपने ये सवाल पूछा कि कैसे कैसे बिजी लाइफ में, मैं आर्मी में 17 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है, और आर्मी में रहने के बाद भी आर्मी में रहते रहते मैं फैमिली मेरे साथ में रही है, बच्चे साथ में पढ़े लिखे उधर ही जवान हुए हैं। तो बिजी लाइफ में मेरे को जब टाइम मिलता था तो फौज में दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करना, दोस्तों के साथ फंक्शन में जाना, जहाँ कभी कभी आपको मालूम है कि आर्मी के अंदर कुछ काम बाई ऑर्डर भी होते हैं हुक्म के मजाक। तो जब नए नए हम रेजिमेंट में गए ट्रेनिंग करके आए, तो हम जंग थे, तो उस्ताद लोगों ने बोला भंगड़े में जाओ जी, प्रैक्टिस करो, आज फंक्शन है, ये करना है, वो करना है। तो जिस आदमी को शौक होता है तो वो उस्ताद लोगों को पकड़ लेते हैं, जैसे आपने मेरे को आज पकड़ लिया। तो ऐसे ही आर्मी में छोटे छोटे प्रोग्राम, वीकेंड में प्रोग्राम, वीकली, फिर मंथली, 6-6 महीने के बाद, साल में कभी फंक्शन होता है तो महेंद्र को बोलते इधर बुलाओ जी। तो वो लोगों से नीचे से लेके ऊपर तक जो भी ज़िंदगी में मिलता गया आज तक मुझे, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो सिंगर है, चाहे राइटर है, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर है, चाहे बेचारा इवन हमारे ग्रुप का कोई भी सजेंदा है, मैं हर आदमी से सीखा ही हूँ, अभी तक भी सीख रहा हूँ। तो जो भी बात मेरे को समझ में आती है मैं उसको फॉलो करता गया। तो टाइम तो सर ऐसे ही है कि आदमी को बिजी रहने के बाद जब अपना अपने एम हासिल करना है या अपने किसी मंजिल पर पहुँचना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इस मेहनत के पीछे मेरे दोस्तों का, आप जैसे उस्ताद लोगों का, मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का, पूरे यारों दोस्तों का पूरा सहयोग रहा है ताकि मैं इस मकाम पे पहुंच सका हूं। और अभी मैं मेहनत कर रहा हूं कुछ ना कुछ करने के लिए, जब तक जिंदा रहूंगा कुछ ना कुछ करता रहूंगा। क्योंकि हर आदमी बोलता है कि म्यूज़िक इज़ लाइफ, संगीत एक ज़िंदगी है, लेकिन संगीत ज़िंदगी है नहीं, ये ज़िंदगी होती है सबके लिए। कि जो आदमी संगीत को सुनते हैं या संगीत से प्रेम रखते हैं वो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि संगीत क्या चीज़ है। कि तुसी अपनी फैमिली के बारे दसो कि वो ये प्रोग्राम तो तुहाडे प्रोग्राम करन तो खुश रहिंदे ने कि नहीं खुश होंगे, भाभी खुश ने, बच्चे खुश ने, बच्चे की करते ने तुहाडे? हाँ जी खान साहब, आपने मेरे को ये फैमिली के बारे पूछा है, जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में बताऊँ तो मेरे किसी भी खानदान में कोई कलाकार नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको गॉड गिफ्ट मानता हूँ। और वैसे हर आर्टिस्ट के ऊपर गॉड का ही गिफ्ट होता है, गॉड का ही मेहर होती है, उसी का ही अल्लाह ताला का ही रहमत होती है, वाहिगुरु की ही कृपा होती है। लेकिन मेरे को जो है एक शौक था, अल्लाह ताला ने, उस गॉड ने मेरे को एक शक्ति दी है, मान लो पावर दी है कि मैं कलम लिख लेता हूँ, छोटे मोटे गाने लिख लेता हूँ, छोटी मोटी रचना लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, अपने गाने लेके सिंगर्स के पास, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाना पड़ा। तो आपको मालूम है ना कि नए नए आदमी को कोई पसंद नहीं करता है, ये आपका गाना अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो फिर मैं उस शौक को पूरा करने के लिए अपने गाने खुद लिखे, अपने गाने खुद रिकॉर्ड किए, अपने गाने खुद रिकॉर्ड करके सीडी निकाली, और फिर मैंने और भी बहुत सारे लायरिक्स के मैंने गीत लिए, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर की मैंने हेल्प ली। तो ये पूरा टीम वर्क होता है आपको मालूम है कि। तो घर में कौन कौन खुश है? घर में सब खुश हैं, मेरी एक बीवी है, दो बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, दोनों शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं माशाल्लाह। तो बस अभी तो मैं ज़िंदगी का एंजॉय कर रहा हूँ और म्यूज़िक की ज़िंदगी में बस घूम रहा हूँ। क्या कहते हैं? अच्छा मुझे ये बताया कि आप वो कुछ नई जनरेशन को जो गाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अच्छे शौक के मालिक हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपना मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी खान साहब, ऐसे साजी मैं मैसेज देने के काबिल तो नहीं हूँ, तो ना ही मैं मैसेज दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं तो बिना सीखे गाता हूँ या गा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस्ताद लोगों की क्लास ले, मतलब उनसे सीखना चाहिए, सीख करके इंडस्ट्री में आना चाहिए, और अच्छा लिखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा ही गाना चाहिए, ताकि जो मैसेज है, क्योंकि जो गायक है या आर्टिस्ट है उसके बोले हुए बोल या उसका लिखा हुआ है कलम का जो भी शब्द जो वर्ड है वो पूरी आवाम तक जाता है। तो हम उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उसको सुनाना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी ये दर्शक देख रहे हैं पीएमजी ग्रुप की इस वीडियो को, कि अच्छा लिखें, अच्छा गाएं, अच्छा सुनें और अच्छा सुनाएं, और म्यूज़िक से प्यार करें, म्यूज़िक से लव करें, क्योंकि म्यूज़िक इज़ लाइफ। तो वो पीएमजी ग्रुप हमेशा कहता रहा है कि ज़िंदगी है तो म्यूज़िक है। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे महेंद्र जलंधरी, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। ये हमारे बड़े ख़ास गेस्ट थे आज, और उर्दू, पंजाबी, हिंदी में बात कर रहे थे, तो ये पंजाबी का कुछ अपना ही मज़ा है। देखिए आदमी जहाँ का होता है वहाँ की लैंग्वेज बोलता है, तो कहते हैं ना जहाँ की मिट्टी वहाँ ही लगती है।
तो ये जहाँ की लैंग्वेज होती है वहाँ ही अच्छी लगती है, लेकिन हमने इसको इसलिए मिक्स किया कि उर्दू पंजाबी इंग्लिश जो भी है मिक्स करके बुरा बताया कि सब सुन सके। एक बात मैं महेंद्र जलंधरी साहब से करूँगा कि उनका पहले तो बहुत थैंक्स कि वो हमारे स्टूडियो में आए। एक बात ये है कि म्यूज़िक करने के लिए अदब बहुत ज़रूरी है, जिसके पास अदब नहीं वो म्यूज़िक नहीं कर सकता। अदब जो है वो म्यूज़िक की पहली सीढ़ी है, अदब होगा तो सब कुछ आएगा। एक दूसरी बात और मैं आपसे नाज़रीन करना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा उस्ताद कोई नहीं, ठीक है, तो ये गलत बात है। कोई भी मेरा मैसेज अगर सुन रहा है तो ये याद रखे कि उस्ताद कुछ ना कुछ इंसान का होता है और वो ज़रूर होता है। कुछ लोग किसी को सुनते हैं तो उसको जेहन में रखते हैं, ग़ुलाम अली, मेहंदी हसन, किसी को भी, तो उसे कहा जाता है रूहानी उस्ताद। तो जो रूहानी उस्ताद होते हैं तो उसको मानना चाहिए, जिसको बंदा देख के शुरू करता है उसको देख के अमल करता है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे लोग ये बात सुन रहे हैं कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता वो ये कभी ना कहे कि कोई उस्ताद नहीं। इस पे इस मौजू पे मेरे पास बात लंबी हो जाएगी, एक और बात है, लेकिन मैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मिलूँगा और सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, आपका अपना नज़ाकत अली खान, अल्लाह हाफिज़। ਕਮਾਲ ਹੈ।